कश्मीर फाइल्स पर चर्चा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द कश्मीर फाइल्स, जो कि 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने और प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियोज ने। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ये फिल्म जो है अपनी रिलीज से काफी विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म बेस्ड है रियल इंसिडेंट पे और ये आधारित है एग्जॉडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स को लेकर। हम साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस मूवी में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद हैं। ऐसे में फिल्म तो कर रही है बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा सक्सेस और साथ ही घिरती भी जा रही है विवादों से। एक तरफ खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि अलाइंड है विद द रूलिंग पार्टी बीजेपी, दूसरी तरफ एमिंग टू फॉस्टर प्रिजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम्स। और इन सब के चलते ये ट्विटर पे भी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है, जहां एक तरफ सहमति जाती है उन कश्मीरी पंडित्स के साथ जिन्हें कश्मीर जो है छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। ऐसे में अब हम आते हैं मूवी के विवाद पर, जिसमें पास्ट में उत्तर प्रदेश के एक रेजिडेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की ऑन ग्राउंड्स दैट फिल्म में पोर्ट्रे द मुस्लिम्स एज किलर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और साथ ही ये भी उस लिटिगेशन में कहा गया कि ये सेंटिमेंट्स हर्ट करती है मुस्लिम्स के एंड कुड ट्रिगर द वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस प्ली को डिसमिस कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि फिल्म के सर्टिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए, ना कि पीआईएल को लेकर कोर्ट में आना चाहिए। और साथ ही ये भी हिदायत दी कि फिल्म के सर्टिफिकेट के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जाना चाहिए था। ऐसे में चारों तरफ चर्चा में द कश्मीर फाइल्स को मिल रही है खूब पब्लिसिटी। और ऐसे में पॉलिटिकल लीडर यशवंत सिन्हा का भी ट्विटर पे एक ट्वीट आता है, जिसमें उनकी राय इस फिल्म के प्रति ये है, द कश्मीर फाइल्स शुड बी टैक्स फ्री ऑल ओवर इंडिया एंड एक लॉ भी पास कर दिया जाए पार्लियामेंट में इस फिल्म को लेकर कि हर किसी को ये फिल्म देखना अनिवार्य हो जाए। ऐसे में द फिल्म कश्मीर फाइल्स पर चर्चा पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया है। और साथ ही हम आशा करते हैं कि एक फिल्म को देखना फिल्म तक ही सीमित होना चाहिए, उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब देश में होगी एकता तो देश का होगा विकास। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट द ट्रू हंट चैनल के लिए।